घरेलू उपचार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मुहासों को जड़ से खत्म करने का एक बहुत ही कारगर उपाय। दोस्तों, मुहासे चेहरे पर आने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे पोल्यूशन या फिर हमारे चेहरे की स्किन के रोम छिद्र बंद हो जाएं तो अंदर वसा इकट्ठी होने लगती है और उसकी वजह से मुहासे बन जाते हैं। और भी कई कारण हैं इसके मुहासे होने के, जैसे जिसकी ऑयली स्किन है उसको मुहासे होना स्वाभाविक सी बात है। और यदि त्वचा रूखी सूखी और बिल्कुल बेजान हो जाए ज़्यादा गर्मी की वजह से, तो उसकी वजह से भी मुहासे हो जाते हैं। पोल्यूशन, गंदगी, इन सब की वजह से चेहरे के ऊपर मुहासे हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, मुहासे शरीर के ऊपर आना अपने चेहरे को बर्बाद कर देते हैं और चेहरे की जो खूबसूरती है, चेहरे का जो ग्लो है वो गायब हो जाता है और चेहरा खूबसूरती से बदसूरती में बदल जाता है। ऐसे में ये बहुत चिंता का विषय है दोस्तों। हर इंसान चाहता है, चाहे लड़के हों या लड़कियाँ, हर इंसान चाहता है कि उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत बना रहे। चेहरे के ऊपर दाग धब्बे, काले दाग धब्बे या फिर मुहासे बिल्कुल भी ना हो और बिल्कुल एकदम चमकदार स्किन रहे और खूबसूरत ग्लो चेहरे के ऊपर होना चाहिए। दोस्तों, इनको सबको ख़त्म करने के लिए, मुहासों को ख़त्म करने के लिए यूँ तो मार्केट में बहुत सारे फेस वाश हैं और बहुत सारी क्रीम है, लेकिन उनके अंदर केमिकल होने की वजह से वो हमारे स्किन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं और जिसकी वजह से वो ठीक तो नहीं हो पाते हैं और मुहासे ज़्यादा चेहरे के ऊपर फैल जाते हैं। आज जो हम नुस्खा आपके लिए लेकर आए हैं वो आपके चेहरे से ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और मुहासों को जड़ से ख़त्म करके आपके चेहरे को निखारेगा और आपके चेहरे के ऊपर बहुत ही खूबसूरत ग्लो आने लगेगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए, किस तरह से इसको बनाना है और किस तरह से इसको अपने चेहरे के ऊपर इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इसके लिए हमें चाहिए एप्पल साइडर विनेगर। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा चाहिए हमें इसमें बेकिंग सोडा या फिर खाने का सोडा, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। थोड़ा सा चाहिए हमें पानी, थोड़ा पानी चाहिए हमें और नींबू चाहिए इसके लिए और थोड़ा सा चाहिए हमें शहद। नुस्खा बनाना बिल्कुल आसान है। आपको लग रहा होगा कि इतनी सारी चीज़ें हैं, किस तरह से नुस्खा बनेगा, लेकिन दोस्तों नुस्खा बनाना बिल्कुल आसान है। आइए देखते हैं नुस्खा बनाने की विधि। दोस्तों, सबसे पहले आप आधा गिलास पानी लें और उसमें एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाल दें, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर डायरेक्ट स्किन के ऊपर लगाना हानिकारक हो सकता है, इसलिए इसको पानी में मिलाकर इसको थोड़ा हल्का कर लें, ठीक है। ये आधा गिलास पानी है, अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर मिलाकर इसको थोड़ा हमने हल्का कर लिया है और इसको अच्छे से मिक्स करके आप इसको रख लें, ठीक है। अब आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा लीजिए, बेकिंग सोडा उतना कि जितना आपके चेहरे के ऊपर आसानी से लग सके, ठीक है। इसमें हम आज एक चम्मच बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। एक चम्मच हमने इसमें बेकिंग सोडा लिया, ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके एप्पल साइडर विनेगर का पानी डालेंगे। जो हमने ग्लास में एप्पल साइडर विनेगर डाला था, इसमें से थोड़ा थोड़ा सा इसमें डालेंगे ताकि एक पेस्ट बन जाए। हमें ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, बस ऐसा पेस्ट बनाना है जो हम इसको चेहरे पर आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो उतना ही पानी मिलाएं इसमें और साथ साथ इसको चलाते भी रहें ताकि आपको पता चल जाएगी इसमें पानी और डालना है कि नहीं डालना है, ठीक है।
अभी देखिए ये जो है ना अभी बहुत टाइट है, अभी अच्छे से पेस्ट बना नहीं है, इसलिए आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल लें। ये देखिए इस तरह से ये पेस्ट बनाना है और ये पेस्ट बनकर तैयार है। ये आपके चेहरे के ऊपर लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है, ठीक है। अब इसमें हमें और दो चीज़ें मिलानी है, नींबू का रस और शहद, ठीक है। अब ये मिश्रण ये बन चुका है, अब इस मिश्रण में आधा नींबू निचोड़ लेंगे और अंत में शहद की एक चम्मच इसमें डालेंगे और इस मिश्रण को अच्छी तरह से मिक्स करके ताकि सारी औषधियाँ सारी चीज़ें आपस में एक अच्छे से मिल जाएं, बिल्कुल एक जान हो जाएं, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे आधा नींबू, ठीक है, ये नींबू का रस इसमें हम निचोड़ देंगे और ये करीब इसमें आया है एक चम्मच रस निकला है इसमें, इसको हम इसमें डाल देंगे। ये देखेंगे आप इसमें झाग से उठ रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही इफेक्टिव नुस्खा है, मुहासों के लिए ये बहुत ही गजब का नुस्खा है जो आज हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। नींबू का रस डालते के साथ ही इसमें झाग उठने लगेंगे। और एक चीज हम आपको बता दें साथ साथ कि हमेशा इस नुस्खे को बनाने के लिए आप कांच की कटोरी का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि कांच की कटोरी किसी भी आइटम के साथ में मिलकर रिएक्शन नहीं करती है, ठीक है, तो इस चीज का ख्याल रखें। अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच शहद, एक चम्मच शहद मिल गया इसमें। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए बहुत ही अच्छा बहुत ही खूबसूरत नुस्खा बनकर तैयार है। और मेरे ख्याल से ये एक चम्मच जो हमने बेकिंग सोडा लिया था उतना काफ़ी है चेहरे के ऊपर लगाने के लिए। ये करीब 2 से 3 चम्मच नुस्खा बन चुका है, ठीक है। बस इसको अच्छे से मिक्स करने की ज़रूरत है। मिक्स करके इसको 2 मिनट के लिए बस ऐसे ही रख दे। तब तक आप अपने चेहरे को किसी भी फेस वाश से आप धो ले। चेहरे को वाश करने के लिए आप नीम का फेस वाश या एलोवेरा का फेस वाश यूज कर सकते हैं और फेस को अच्छे से वाश करके उसको सूखने दें, पानी साफ कर लें अच्छे से साफ टॉवल से, और तब तक आप इसको ऐसे ही बनाकर रख दें। ये देखिए ये बनकर बिल्कुल तैयार है। और दोस्तों जब भी आप इसको बनाएं तो ताज़ा ही बनाएं, इसको बनाकर नहीं रखना है, ठीक है। इसको बनाकर 2-3 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए बिल्कुल भी नहीं रखना है। जब भी आप इसको चेहरे पर लगाएं तभी तुरंत बनाएं। ये सारी चीज़ें आपके किचन में मौजूद हैं। शायद एप्पल साइडर विनेगर नहीं होगा, वो आप मार्केट से ले आएँ किसी भी मेडिकल स्टोर से। बाकी सारी चीज़ें हनी और खाने का सोडा नींबू ये हर किचन में मौजूद होता है, बाहर से आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जब भी आप बनाएं इसको ताज़ा ही बनाएं। और ये नुस्खा बनकर तैयार है, तब तक आप इसको 2 मिनट के लिए रख दें तो आप इसके बीच में अपने चेहरे को साफ कर लें किसी भी फेस वाश से, नीम का फेस वाश या फिर एलोवेरा का फेस वाश, ठीक है। अब आप बिल्कुल तैयार हैं इसको लगाने के लिए। दोस्तों हल्के हाथ से आप इसको चेहरे के ऊपर हल्का सा गोल गोल मोशन देते हुए इस तरह से इसको हाथ से लगा लें, या फिर आप इसको ब्रश की सहायता से भी लगा सकते हैं चेहरे के ऊपर। ब्रश बहुत सॉफ्ट होता है और हमारे चेहरे की जो स्किन है वो भी बहुत सॉफ्ट होती है। ध्यान रहे कि इस पे यदि आपके पास ब्रश ना हो और हाथ से ही लगाना पड़े तो हाथ को भी पहले धो लें और हल्के हाथ का इस्तेमाल करें ताकि आपके चेहरे की स्किन को नुकसान ना हो। और यदि ब्रश आपके पास है तो ब्रश का इस्तेमाल करके आप अपने चेहरे के ऊपर इसको अच्छे से लगा लें, होठों को बचा दें और आंखें बंद कर लें। आंखों के अंदर ये नहीं जाना चाहिए, चला भी जाए तो इमीडिएटली अपनी आंखों को ताजे पानी से धो लें। लेकिन कोशिश करें कि आँख को बचा कर रखें, आँख के चारों तरफ
हल्के से बहुत सावधानी से लगा लें। इससे आपकी आंखों के चारों तरफ के जो काले घेरे हैं वो भी दूर हो जाएंगे। चेहरे के ऊपर मुहासे, काले दाग धब्बे, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, उन सब का सफाया कर देगी ये नुस्खा और आपका चेहरा नेचुरल तरीके से गुलाब की तरह खिल उठेगा। बहुत ही खूबसूरत ग्लो आपके चेहरे पर आएगा और आपके जो चेहरे की स्किन है वो पिंपल फ्री हो जाएगी और आपका चेहरा बिल्कुल पहले की तरह ही खूबसूरत बन जाएगा। दोस्तों, हफ्ते में आप इसको 2 से 3 बार इस्तेमाल करें अच्छा रिजल्ट पाने के लिए। और दोस्तों, एक चीज़ और हम बता दें कि चेहरे के ऊपर इसको लगाने के बाद 5 से 10 मिनट के बाद इसको, जब ये सूख जाए आपके चेहरे पर, अपने चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से धो लें और फिर उसको साफ टॉवल से पोंछ लें। आप उसको लगाने के बाद जब पानी से धो लें तो उसके ऊपर फिर फेस वाश उतनी जल्दी इस्तेमाल ना करें। जब अगली बार आप इसको फिर से चेहरे के ऊपर लगाएंगे तो तब आप अपने चेहरे को फेस वाश से धोएं, फिर इसको इस्तेमाल करें। यानी इसको इस्तेमाल करने के बाद पानी से धो लें और उसके बाद फिर फेस वाश का इस्तेमाल इमिडिएटली ना करें, ठीक है? इस चीज़ का ख्याल रखें। दूसरी चीज़ें ये हैं कि जब आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर रहे हों तो अलग से चेहरे के ऊपर कोई भी क्रीम ना लगाएं, ठीक है? इस चीज़ का ख्याल रखें और अपने खाने पीने में भी थोड़ा सा बदलाव करें। आप फास्ट फूड जैसे कूल ड्रिंक है या फिर और पिज़्ज़ा वगैरह है, इन सब चीज़ों का सेवन ना करें। बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन ना लें, इन चीज़ों से बचें। आपका पेट बिल्कुल साफ़ रहना चाहिए, डाइजेशन अच्छी रहनी चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है? इन चीज़ों का ख्याल रखें। बाकी आप इसको हफ्ते में 2 से 3 बार लगाएं और एक हफ्ते के अंदर या मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर आपके चेहरे से सारे पिंपल, सारे ब्लैक हेड्स, काले दाग धब्बे और आंखों के चारों तरफ जो काले घेरे वो सब समाप्त हो जाएंगे और आपका चेहरा नेचुरल तरीके से खूबसूरत बन जाएगा। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी वीडियो और बताया गया ये नुस्खा यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी इस नुस्खे को शेयर जरूर करें ताकि उन सबका भी नुस्खा, इस नुस्खे का फ़ायदा उनको भी मिल सके। हम जल्दी फिर लौटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।